शिवा नाम के फुटबॉल खिलाड़ी को गहरे घाव के कारण अस्पताल में एडमिट किया गया है। इसके बारे में वन अधिकारियों ने बताया कि ये आग सच में अग्नि दुर्घटना थी या फिर किसी की साजिश थी, उसकी छानबीन की जाएगी। बैठिए। I'm so sorry. आपके बेटे का फेस आग की वजह से बहुत बिगड़ चुका है। यूजुअली 20-30% बर्न पेशेंट को उनकी थाई या उनकी पीठ से स्किन लेकर हम ग्राफ करते हैं, बट आपके बेटे का ऑलमोस्ट 90% तक फेस बर्न है। सावित्री, तो क्या कुछ नहीं, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा डॉक्टर? मैम प्लीज काम डाउन। सावित्री हिम्मत रखो, आप इन्हें रिलैक्स कीजिए। देखिए डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह के क्रिटिकल केसेस में एक और ऑप्शन है, फेस ट्रांसप्लांट। वो क्या होता है डॉक्टर? लेट मी एक्सप्लेन। इन्हें देखिए, इनका नाम है रिचर्ड और तकरीबन आपके बेटे का फेस भी इसी लेवल पर है। इन्हें देखिए, ये एक क्रिटिकल पेशेंट है। सो जब ये मरने के कगार पर था तब इनका चेहरा निकालकर रिचर्ड पर ट्रांसप्लांट किया गया है। आंख दान, हार्ट दान, किडनी दान, वैसे ही इसके लिए भी एक डोनर चाहिए। मेरी नजर में एक पेशेंट है, उन्हें 6 महीने पहले ही किसी एक्सीडेंट के केस में एडमिट किया गया था और उनकी पल्स थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, ब्रेन डेड कंडीशन में है, चांस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी लेस। अगर उनके ब्लड रिलेशन डोनेट करने के लिए मान गए तो ये ट्रांसप्लांट हो सकता है, फिर सर्जरी कर पाएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब तक ये ट्रीटमेंट हो तब तक आपका बेटा अपनी शक्ल आईने में या फिर कोई भी रिफ्लेक्शन वाले ऑब्जेक्ट पर अपनी शक्ल ना देखे तो बेहतर होगा, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। के बेटे का ब्रेन डेड हो चुका है और हार्ट फंक्शन भी
धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कितने दिन जिंदा रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सिचुएशन में ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर आप चाहो तो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। भगवान के लिए हम पर दया कीजिए मैडम। फॉर द ग्राफ राइट, बट इन द केस ऑफ शिवा मेरा फोटो क्यों लगाया माँ? वो जब तू घर में होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पड़ोसी घर में रह रहा है, इसीलिए तेरी शक्ल अच्छे से देखकर उसे दिल में उतार रही हूँ। फोटो क्यों, गौर से देखो। हा? अब यही मेरा नया चेहरा है, देख देख देख। भैया आज के दिन मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो ना प्लीज। ऐसा क्यों, मैंने तुझे कभी ड्रॉप किया है क्या? पहले तुम बहुत नॉर्मल लगते थे, लेकिन आजकल एकदम सुपर लगते हो, इसीलिए सोचा फ्रेंड से मिलवा दूं। चल आज ड्रॉप करता हूं। हाँ रुको रुको, साइड में ले लो, लाइसेंस दिखाओ। एक मिनट, लीजिए लाइसेंस। ए मजाक कर रहे हो क्या, अपना लाइसेंस दिखाओ। मेरा ही लाइसेंस है सर। तुम्हारा लाइसेंस है? हाँ। इसमें तो फोटो अलग है और सामने से तुम अलग दिख रहे हो। वो ना एक एक्सीडेंट में मेरा फेस ट्रांसप्लांट किया था, सो दे हैव डन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी ऑफ द फेस विद स्किन ग्राफ्टिंग। माय जॉलाइन हैज आल्सो बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड सर, सिंस दे डिड इट बाय फ्लैप सर्जरी। एंड क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ₹50 निकालो। क्या ₹50 दो और निकलो यार। क्यों जी, कल तक तो ये सीरियल में शांति बहू बनी हुई थी, आज कोई और बहू बन के आई है, ऐसे कैसे हम मान ले? मैं तो नहीं मान सकती, ये तो अन्याय है। क्यों, कुछ हफ्ते पहले तुम्हारे बेटे की शक्ल भी तो कुछ और थी, अब वो भी बदली हुई है ना। ये भी वैसा ही है, हर चीज को अडेप्ट करना पड़ता है। करेक्ट पापा। पापा कोई और चैनल लगाओ ना। क्या रे, घर में खाली बैठा रहता है, इसकी बैटरी नहीं बदल सकता क्या? हेलो, कहाँ है तू? तू कौन है बे? शिवा बोल रहा हूँ यार। कौन, मिर्ची वाला शिवा? ब्रदर मिर्ची पार्ट 2 भी देखी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग की आपने। और वो विलन की एक्टिंग किसने की थी, व्हाट अ परफॉर्मेंस। अच्छा एक बात बताओ, वो डांस में आपसे सच में हार गया था क्या? ये बात तो मुझे बिल्कुल हजम। ओए पागल, मैं तेरा फ्रेंड शिवा बोल रहा हूँ। अच्छा तू है, बोलना यार कैसा है? एक महीने से कहाँ चला गया था तू, तेरा फोन भी स्विच ऑफ था। तू सही कह रहा है, अगर मैं तेरे जैसा फालतू होता ना तो चल जाता। लास्ट मंथ में दुबई में था, आज ही चेन्नई लैंड हुआ और आज रात ही बैंकॉक चला जाऊंगा। ठीक है, अभी कहाँ है तू, जल्दी से घर आ जा। घर पे कौन सा, वहीं जहाँ पर एक चौराहा है, जहाँ एक वाटर टैंक रहता है और हमेशा दो भैंसे खड़ी रहती है, वही ना, वहाँ तो मैं नहीं आ सकता। जो बोलना है फोन पर बोल। ओके अभी तो तू फ्री है ना, तू कहाँ है बता, मैं वहाँ आ जाता हूँ। फ्री हूँ, 9 से 10 गर्लफ्रेंड के साथ मेरी मीटिंग है और 10 से 12 चोर बाजार में माल बेचना है और 1 से 2 एक छोटा सा ब्रेक है। ऑफ कोर्स मेरी आइटम के साथ 3 से 4 वो रोते हुए अंकलों को गोली देनी है, उसके बाद सीधे बैंकॉक चला जाऊंगा। मैंने मेरी जिंदगी के 3 मिनट बर्बाद कर दिए, वो भी तुमसे बात करके। चल फोन रख पे। अरे सुन। क्या भैया, गोपाल ओवर एक्टिंग कर रहा है क्या? इसे तो ना मैं, मुझे अकेला छोड़कर फॉरेन में चले जाना, जाओगी तो मुझे भी ले जाना। तुझे लेकर मैं बैंकॉक क्यों जाऊंगा?
एक मिनट लगता है कोई दरवाजे पर आया है, मैं देखता हूँ। अभी कौन आ गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या सेंटर में कौन सी बीआर? सीबीआई, सीबीआई ऑफिसर। तो अब यहाँ क्यों आए? दिन दहाड़े एक लड़की के साथ गुड़गु कर रहे थे, इस इन्फॉर्मेशन मिली थी। सर ये एक टीवी शो है सर, टीवी शो है। कौन सा शो? मेरे घर में सुहागरात नाम से हम लोग 16 लड़कियों का सिलेक्शन करके उन सबको गले लगा कर देखते हैं। उनमें से जो अच्छे से गले लगती है उनमें से 3 को सेलेक्ट करते हैं, और पसंद आ गई तो शादी भी कर सकते हैं सर। तो इनसे शादी करने वाले हो क्या? नहीं सर, इससे शादी की तो बाकी लड़कियों का दिल टूट जाएगा ना, तो उनसे दोस्ती ना टूटे इसलिए मैं इससे तो शादी नहीं करूंगा। ये मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा मुझे भूल जा, चल जा जा यहाँ से जा। किसकी आंख में धूल झोंक रहा है? किसी की आंखों में नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। सर मैं इज्जतदार घर का लड़का हूँ। अच्छा, तेरी इज्जत तो मैं जानता ही हूँ। क्या जानते हो? 9 से 10 लड़कियों के साथ मीटिंग, 10 से 12 जुहू बाजार में फॉरेन का माल बेचना, 12 से 1 करेंसी नोट बदलना, और 1 से 2 के बीच छोटी सी नींद मारकर 3 से 4 के बीच अंकलों को घपाघप टैबलेट बेचना, और शाम 6 बजे बैंकॉक की फ्लाइट से निकल जाना, यही प्लान है ना तेरा? सर आप तो अंतर्यामी हो, इतनी करेक्ट जानकारी रखी हुई है। वो देखिए सफेद लंगूर। सफेद लंगूर? वो देखिए निर्मला आंटी। अरे ये तो मुझे लंगूर बना के चला गया। भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, हम दोनों जो सुबह बात कर रहे थे सीबीआई ने सुन लिया, अब मैं क्या करूँ? वो मेरे पीछे पड़ी है। अभी तू कहाँ पर है? मैं क्या, के नगर का वाटर टैंकर अभी मेरे पास से ही गया। तो लेफ्ट में देखकर राइट में निकल जा। राइट में ना, ठीक है। भाई अब मैं कहाँ जाऊँ? अब कहे तू, एक काली सी औरत पालक बेच रही है, कोई खंडर के सामने खड़ी है वो। उस घर में घुस जा तू। ये तो तेरा ही घर है यार। बोला ना अंदर जा। ठीक है ठीक है। अरे यार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, कहीं गोली ना मार दे। भाई मैं आ गया और दरवाजा ठोक रहा हूँ, पर दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है। भाई माँ टीवी सीरियल की तरह स्लो मोशन में क्यों आ रही हो? क्यों क्या हुआ? अरे दरवाजा खोलो ना। सुबह जब मेरे बेटे ने फोन किया था तो ये भैंसों वाला एरिया है, टैंकर वाला एरिया है बोल रहा था ना तू। जा नहीं खोलूंगी। तो अभी उसका बदला ले रही हूँ क्या? सीबीआई पीछे, मेरी जान को खतरा है, जल्दी दरवाजा खोलो ना। आ जा। अंदर आ गया भाई। अरे क्या कर रहे हैं आप? जीपीएस से भी फास्ट है सर। सर मुझ जैसे को पकड़ने के बजाय वो लोग जो 10-12 हजार करोड़ रुपए लेकर भाग गए, आप उन्हें पकड़िए ना सर। मैंने एक लड़की को गले क्या लगाया तो मुझे पकड़ने के लिए आपने इतनी स्पीड दिखा दी। अरे पागल, वो मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब? ये भैया ही है गोपाल, फायर एक्सीडेंट में फेस डैमेज हो गया था, वही बताने के लिए बुलाया था। थैंकफुली एक डोनर मिल गया, सो ही इज गॉन थ्रू अ फेस सर्जरी नाउ। ये देख, दिखा क्या, ध्यान से देख। अरे हाँ तेरे फेस पर तो जिप भी लग रखी है रे। अच्छा तो उसे छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाई है, लेकिन यार तेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। दोस्त मेरे इधर तो आ, क्वार्टर लेके इधर तो आ, मटन चिकन की डिश लेकर दुम दबा कर भाग के आ। अरे वाह तू तो मेरा भाई है। आपके साथ 100 वर्ष जीवित रहने की आशा रखता हूँ। हेलो ये क्या था? हिंदी, शुद्ध हिंदी। अरे आप इसे दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। मैं एक मिनट। आप बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं आपके साथ 100 साल जीना चाहता हूँ। एक्शन। वाह ये एक नंबर दिखते हो। आप मुझे पसंद हो। खूबसूरत हैं। कैसे लोगों को लेकर आए हो? अच्छा सुनो, अगर तुमसे कास्टिंग नहीं होती तो छोड़ दो, मैं देख लूंगी। हमारे सामने तो अच्छा ही कर रहे थे, जैसे ही तुम आ जाती हो गड़बड़ हो जाती है। तू ऐसे रिजेक्ट करती रहेगी, अब 10 दिन बचे हुए हैं, शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। हाँ तो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही लूंगी ना। आई वोंट कॉम्प्रोमाइज। देख तुझे जैसा लड़का चाहिए ना, वो हाई-फाई बार में ही मिल सकता है। अचार चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। अचार ना? हेलो अचार है क्या? We don't serve pickles sir। अचार नहीं। तुमको क्या प्रॉब्लम है? मजाक चल रहा है क्या? गेट पर इतना पैसा दिया और तुम अचार भी नहीं दोगे? हैं? भाई ये लोग हमको कुछ भी नहीं समझते, पता है? मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। ए तेरे पता है ठेके पर भी एक क्वार्टर लो तो अचार फ्री में देते हैं, और तू नाटक कर रहा है। अचार एक देसी चकना है और वो हर बेवड़े का हक है। ये सब इन लोगों के नाटक है, देखना अनशन पे बैठूंगा मैं। नहीं चलेगा क्या? नहीं चलने वाला ऐसा। भाई बिल देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इसी को दे दे वापस। नहीं चलेगा। अचार का पैसा भी काटेंगे। ध्यान से देख, तेरे हिसाब से कोई है क्या? अरे रुकना। ए, 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 ए। Thank you.
चार्मिंग। मैं जाकर उससे बात करूं, उसका नाम ही नहीं यार, वो पूरे नशे में है। यार प्लीज, हम लोग मॉर्निंग में जाके बात करेंगे प्लीज। उसको देखते ही मैं समझ गया था कि वो लड़की उठाने आया है। लड़की उठा के भी ये कुछ भी नहीं। मैंने उसे दो नीली गोली दी और उसने पैसे दे दिए। देख उससे चलकर बात करते हैं ना, चलो ना प्लीज। चलना अभी चलना, वो जा रहा है यार, वो चला जाएगा। हे जीजी, तेरी शॉर्ट फिल्म के हीरो का पता लगा लिया है, उसके फ्रेंड से भी बात की है मैंने। कौन? द गाय फ्रॉम दैट क्लब, उससे हम शाम को मिलने वाले हैं। रियली? कम ऑन कम ऑन। यहाँ पास पास पास। आपके फ्रेंड यहाँ काम करते हैं? नहीं नहीं, क्राइम होने से रोकना ही हमारा काम है। ओ, पुलिस में है? जी जी, दरअसल क्या है ना कि अगर हम कहीं काम करेंगे तो उसकी सैलरी हम अपनी जेब में रखेंगे, लेकिन फिर कोई पॉकेट मार हमारी जेब काट लेगा तो इससे पॉकेट मार को भी बढ़ावा मिलेगा। और बैंक में अगर हमने अपने पैसे रखे तो कोई बिजनेसमैन लोन लेकर वापस चुकाने के बजाय वो विदेश चला जाएगा और वहीं सेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग पैसे ही नहीं कमाते हैं। बेकार पड़े रहने का इतना बड़ा रीजन? इतनी इज्जत के साथ बेइज्जती की, उसके लिए थैंक्स। See, I don't blame you. आप मुझे पसंद करते हैं इसलिए ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मैं आपसे प्यार कर सकती हूँ, शादी भी कर लूंगी, लेकिन कल को जब हम रास्ते पर चलेंगे तो देखने वाले ऐसा ही कहेंगे ना कि लड़की खूबसूरत है पर लड़का नहीं, तो हम दोनों को खराब लगेगा। प्लीज आप बुरा मत मानिए, मैंने ये फैसला आप ही के लिए लिया है। अरे इधर इधर भाई, उन दोनों को कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है, तुझे हीरो बनाना चाहते हैं। हालांकि पहले तो मुझे हीरो बनने के लिए कहा था, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट का रोल है ना, पर उनको कोई यंग दिखने वाला बंदा चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना 40 साल में भी स्टूडेंट का रोल करते हैं और आखिर तक पैर का इजहार भी नहीं करते, तूने तो देखा होगा। ए भाई एक बार मिल लेना यार, टाइम नहीं है। अरे सुनना यार, जो साथ में खड़ी है ना हैरी पॉटर वाली, यार वो मेरे को बहुत पसंद आ गई, चलना बात करते। इधर आओ, कोई देखो तो इन्हें, ऐसे चल रही है जैसे फैशन शो में आई हो। हाय। मेरे फ्रेंड को क्या बोलकर भेजा था? पढ़ने की उम्र में फिल्म बनाओगी, तुम्हारे घर पे कोई बोलने वाला नहीं है क्या? पास पास। सर, क्या हम बात कर रहे हैं? हम बिस्कॉम के स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहे हैं। तुम कुछ भी करो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत बिजी हूँ। पास पास पास। ऐसा मत बोलिए ना, आप जिस दिन कहेंगे उसी दिन शूट करेंगे। कल चलेगा क्या? मजाक कर रहा था, पूछो ना पूछो प्लीज सर। वो बॉल लेकर आओ। सर सुनो, तुम्हें बोला क्या? यहाँ आ जाओ, खड़ी हो जाओ। चाहो तो यहाँ आ जाओ। जाओ जाकर बॉल लेकर यहाँ पे मेरे पास। क्या यार, चला जा। तू दिन भर घर में खाली ही तो बैठा रहता है ना, तो फिर उस बेचारी लड़की को इतना भगाकर भाव क्यों कर रहा है? एक्टिंग में क्या दिक्कत है? बैठ सुन, एक्सीडेंट से पहले मुझे एक लड़की ने रिजेक्ट किया था, बोला था ना। कौन? वो ऑटो मैकेनिक की बेटी जूली ना? तो और क्या, एक दो लड़की थोड़ी जो याद रखूंगा। तेरी सर्जरी से पहले जिस लड़की को तूने प्रपोज किया था वो भी तो छोड़ के चली गई। तुझे याद होगा? हाँ। आपको ना बोलना, उसमें आपकी भलाई ये बोलकर ना करके गई थी, बताया था ना। हाँ। ये वही लड़की है। अच्छा ऐसा क्या? देख तूने उस लड़की को उसी शक्ल से पटाया होता तब तो कोई बात भी होती, लेकिन ये तो बेमानी है। ये खेल मैंने खेला है क्या? ना पसंद चेहरे को आसानी से रिजेक्ट कर गई थी, अब पसंदीदा चेहरा इतनी आसानी से कैसे मिलेगा? थोड़े दिन खेलने दे, तो फिर मैं उसके फ्रेंड के साथ खेलूंगा। सब बॉल जाओ, अब तुम लेकर आओ। ए दिखाई नहीं रहा है कि हम लोग खेल रहे हैं? घूर क्या रही हो, जाओ वहाँ जाकर लाइन खींच कराओ। ए हम कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, ज्यादा एक्टिंग मत कर, साइड में खड़े हो जा। हाँ हाँ ठीक है, तू ही खेल ले। ए बॉल। सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज, तुम पहले यहाँ जाओ। सर प्लीज 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 सर प्लीज। इतना कह रहे हो इसके लिए ओके बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ फिल्म अच्छी बननी चाहिए, मेरे लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, समझी ना? सर, आप एक्टिंग करने वाले तो क्वालिटी अच्छी होगी। यू मेड माय डे, थैंक यू सो मच। सैटरडे मिलते हैं सर, बाय। हे चलना, आ रही हूँ बाबा, बाय। पता है सर ने हाँ बोल दिया। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमें। नीचे हटो, हमें न्याय दो, नीचे हटो। Yeah!
आइए, आपकी जर्नी तो ठीक रही ना? जर्नी? हम कोई चार धाम की यात्रा करके आए क्या? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुमने गाड़ी अरेंज कराई हो। अरे हाँ, आज की शूटिंग कैंसिल है क्या? सर, पहले ही दिन अशुभ बातें बोल रहे हैं, यही शूट करने वाले हैं। यहाँ पर? हाँ, नहीं तो हम शंकर सर की शूटिंग पर गए थे, वहाँ 40-50 लोग काम करते दिखते हैं। सर, आप रेडी हैं तो फर्स्ट शॉट ले लें क्या? कर लेते हैं। वैनिटी किधर है? सर, वैनिटी नहीं है। वैनिटी क्यों नहीं है? सर, हमारी पूरी फिल्म का बजट ही 20,000 रुपए है, उसे भी ब्याज पर लिया है सर, तो वैनिटी बहुत मुश्किल है। हम स्क्रिप्ट के भरोसे फिल्म बना रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी स्क्रिप्ट है? सनी लियोन की फिल्मों में ना स्क्रिप्ट होती ना डायलॉग होता है, पर एंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, वो सब ओके। मैं मेकअप कैसे करूं, चेंज कैसे करूं? किसी ने वीडियो निकाल लिया तो घर पर जवाब कौन देगा? हाँ जी, अगर मान लीजिए किसी ने वीडियो निकाल कर गौर से देखिए इस नौजवान की करतूते, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सर, सही का? कोई वीडियो नहीं बनाएगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। हे सर, के पीने के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। सर ये लीजिए। क्या है ये? इसे तुम लोग ठंडा कहते हो क्या? ठीक है, तो फिर उसमें से मुझे भी एक दो। एक्चुअली रसना खत्म हो चुका है, ये लास्ट ही बचा है, चलेगा? वो भी मुझे देके बर्बाद क्यों कर रही हो? एक काम करो, डब्बा खोलो, मैं अंदर जाके सो जाता हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग। ए चल, चलेगा, ठीक है। ला क्या जी, मैं कब से पूछ रहा हूँ कपड़े कहाँ चेंज करूँ। सर क्या, अभी हमारी हीरोइन खुद इस पेड़ के पीछे ड्रेस चेंज कर रही है और। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी बेशरम हीरोइन है? तो आप ही वो हीरोइन है या? मैंने अब तक तुम्हें डायरेक्टर भी नहीं माना, ऊपर से एक्टिंग की भी इच्छा है। सर, आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। कौन सा थिएटर, सत्यम या ज्योति? और ये तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? खून का है? ये तो लिपस्टिक है सर। पर ये 2 किलो लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, थोड़ा सा कम कर दूंगी। हम लोग एक बार डायलॉग रिहर्सल कर लें सर। ग्रीन बैकग्राउंड है, मैं बेंच पर अकेली बैठी हुई हूँ, ठंडी हवा चल रही है, आप मुझे देखकर पास आते हैं, आंखों में प्यार भर कर। तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, जीना है तो 100 साल तुम्हारे साथ ही जीना है। आई लव यू, ये डायलॉग्स बोलने हैं। आई लव यू, बहुत ही बकवास है, आजकल कौन ऐसे बोलता है? सर, ये मेरी लाइफ में सच में हुआ है सर, एक लड़के ने मुझसे ऐसा ही कहा था, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। 100 साल तो बोल ही नहीं सकता। सर, मूवी में तो सब बड़ा चढ़ा के होता है ना सर। फिलोसफी तो ऐसी है जैसे सिनेमा की शुरुआत इसने की हो। क्यों सर, ये सीन इम्प्रेसिव नहीं लगा आपको? मैं जो बोलूंगा वो मानोगी? आजकल नया सोचना ही ट्रेंड है। मेरे पास एक आइडिया है, देखो शायद पसंद आ जाए। एक सुंदर सा गांव, गांव का नाम देवर गांव। कैमरा रोलिंग, एक्शन। कितना सुंदर लग रहा है ना, इससे पहले तुम कभी किसी गांव गई हो? हेलो, शादी से पहले गांव आने का आइडिया तो मैंने ही दिया था, और यहां आते ही सब कुछ भूल गए तुम। वहां जाते ही रेडी हो जाना, ठीक है? विलेज ऑफिसर से मिलना है, घर को बेचने की कुछ फॉर्मेलिटीज है। वहां देखो, पापा का ट्रांसफर होने से पहले हम यहीं रहते थे, 18 साल हो गए यहां आए। कुछ भी हो, इस घर को मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे कितना खेलोगे, जाकर पढ़ाई करो। इस घर को देख के पुरानी यादें ताजा हो गई। कैसा लगा मेरा घर, पसंद आया ना? बहुत ज्यादा। उस समय ऑडियो कैसेट में गाना सुना करते थे, हमारे प्लेयर में तो रिवाइंड बटन काम ही नहीं करता था, मैं और मेरी बहन पेंसिल से टेप घुमा घुमा कर सुना करते थे। ये मैनुअल ट्यून करने वाला रेडियो, टीवी पर चित्रा ठीक से नहीं आता था तो छत पर जाकर एंटीना को एडजस्ट करते थे, उंगलियों से डायल करने वाला काला फोन, ये सब तो अगली पीढ़ी महसूस भी नहीं कर पाएगी ना। सब यही है, बस बदल गया है, आईफोन, आईपॉड एटसेट्रा, प्रोग्रेस है बेबी।
कैसा प्रोग्रेस है। तब का चंदा मामा और दादा दादी की कहानियाँ, बिना अंग्रेजी के शुद्ध हिंदी, कोयल की आवाज, ये सब कहाँ चला गया। एवोल्यूशन के साथ साथ सब बदल गया है। कैसा एवोल्यूशन, अपनी पहचान तो हम खुद भूल चुके हैं, उससे आगे बढ़ना कहते हैं क्या। ओके टाइगर, काम डाउन, यू विन। शिवा, अब बाकी की चीजें बाद में देखें, लेट हो गए तो विलेज ऑफिसर चला जाएगा। मेरी माँ रोज यहाँ से पानी भरती थी, पता है। What the hell? इतनी दूर आकर पानी भरती थी? उस समय मेरे गांव में पाइपलाइन आई ही थी। मालिक, मेरा नाम कुमार स्वामी है, मैं पास के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में सुना है पानी का कनेक्शन लगवाया गया है, पर मेरा घर इस लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए ऑफिस गया तो वहाँ पूछा तो आपका साइन लेकर आने को बोला है। एक काम करो, कुछ पैसे वैसे खर्च करो, मैं साइन कर दूंगा। मालिक, पैसे तो मैं पूरे भर चुका हूँ, राशन कार्ड और बाकी सब जानकारी है। देखिए, 5,000 रुपए दे करके जाओ, तुम्हारे घर पानी पहुंच जाएगा। उसके बाद से कई सालों तक मेरी माँ यहाँ से पानी लेकर जाने लगी। पर क्यों, 5,000 रुपए दे देते तो घर तक पानी पहुंच जाता ना। मेरे पापा बहुत सख्त इंसान थे, पैसे दिए बिना ईमानदारी से जीने वाले। लो। बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवा है। इस गांव में मुकेश कुमार नाम के एक हेडमास्टर हुआ करते थे ना सर, मैं उनका पोता हूँ। अरे, तुम अपने राम कुमार जी के बेटे? हाँ, हो? हाँ जी सर। आओ बैठो, बैठिए मैडम। तुम्हारे पापा कैसे हैं बेटा? हाँ, पिछले साल वो हार्ट अटैक से गुजर गए सर। गुजर गए? हाँ सर। अरे रे, ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ सर, हमें भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। सर वो क्या है ना, दादाजी का घर बेचने आए थे, मेरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ इसमें है, पापा का भी पुराना राशन कार्ड है। मैं ही राम कुमार का पोता हूँ, आप अपनी तरफ से लीगल लेटर देंगे तो बड़ी मदद हो जाएगी सर। दे दूंगा। मैं तुम्हें जरूर अच्छा। दे दूंगा। लेकिन तुम्हें 10,000 रुपए देने होंगे, मैं लेटर दे दूंगा। सर 10,000 किस बात के, मेरे दादाजी इस गाँव के थे, पापा को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं मांगा सर। मैंने भी कोई गलत चीज नहीं मांगी बेटे, सबसे 15,000 रुपए लेता हूँ, तुम अपने गांव के हो इसलिए 10,000 मांग रहा हूँ। दे दो, मैं दे दूंगा। Now we call upon the legend of Indian film industry director Mahindra sir. उनके कमेंट्स क्या हैं? आइए हम सुनते हैं सर। टेप रिकॉर्डर का आईपैड में बदल जाना, झोपड़ियों का अपार्टमेंट में बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्वत खत्म हो तो जिंदगी आगे बढ़ सकती है, ये आइडिया हाईलाइट होनी चाहिए। हीरो की एक्टिंग बखूबी निभाई गई है, दिखने में भी बहुत स्मार्ट है। ऑल द बेस्ट, पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। Congratulations. Thank you, sir. Thank you. ऐसे कुछ हो रहे जैसे बाहुबली का तीसरा पार्ट बनाया हो। शिवा, Congratulations. Thanks. Super था. Congratulations. Thank you. तुम्हारा आइडिया काम कर गया। मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग ये सब आप ही का था राइटर मैडम। तुम बहुत अच्छे हो शिवा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर जीना है तो 100 साल तुम्हारे साथ जियो। ये तुम्हारे लिए बकवास डायलॉग्स होंगे लेकिन बट आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। सोचकर जवाब देना। Switched off or not?
तुम्हारा नाम? शिवा सर, मुझे अर्जेंट जाना है, जल्दी कीजिए प्लीज सर। गाड़ी नंबर TN09CF1730। बाइक थाने से ले लेना। ओके सर। ए, इतना लेट? चल अंदर चलते हैं। ए, ये क्या हुआ रे? आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, चल तुझे बता दूं। सब ठीक तो है ना? तो सही। भाई कैसी लगी तेरी मामी? ओए, तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा क्या? अरे इतना सब थोड़ी चेक करते हैं। अगर लड़की पसंद आए तो बोल देना चाहिए, बाद में मोबाइल नंबर मिले या सैंडल वो भगवान पे छोड़ते हैं। हाय, आप यहाँ कैसे? तू ही इस तरफ आ जा। वो ना ऊपर IOC। ओह नाइस, और कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, और आप? हाँ, हाँ, मस्त लग रही है ना? इतने दिन के बाद अभी मुझे ट्रांसफर मिला है। कभी आओ ना मेरे ऑफिस में, इधर ही है ऊपर सेकंड फ्लोर। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ओके बाय। बाय। ठीक है, मिलते हैं। क्या रे, तुझे ऊपर आने का न्योता दे रही थी? देख, मुझे खुद को नहीं पता ये कौन है, कहीं ये गीता की फ्रेंड तो नहीं थी? ए, गीता की फ्रेंड थी, मस्त कहाँ है? वैसे एक चांस तो देना चाहता था उसको। ठीक है चल। भाई, हाय, भाभी कैसी लगी? ए, चुपचाप वहां जाकर बैठ। प्लीज वेट सर। थैंक्स। ए, अब तो मुझे बता, तू यहाँ पर क्यों लेकर आया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से एक पेट्रोल पंप लेकर चलाना चाहता हूँ यार। ए, तूने इतने सारे पैसे मुझसे छुपा कर रखे थे? अरे मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? पापा के फ्रेंड रामनंदन है ना, सुमेश नगर में 1000 गज जमीन दे रहे हैं 20 साल के लीज पर, तब तक कुछ मैनेज कर लेंगे। उसके साथ मेरे बाकी खर्चों के लिए बैंक से लोन लेने का सोच रहा हूँ यार। क्या यार, तेरे पास जमीन भी नहीं है और खर्चे के लिए लोन भी बैंक से लेगा, ये सब तुझे रिस्की नहीं लगता? रिस्क देखूंगा तो हर धंधे में रिस्क है मेरे भाई। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर्जरी में लगभग 75 लाख खर्चा हो चुका है, पापा ने VRS लिया वो भी कम पड़ गया तो इधर उधर से कर्जा उठाकर, एक लफ्ज भी नहीं बोले मुझसे, सब अपने दिल में छुपा कर रखते हैं वो। अगर ये सब हर महीने अपनी सैलरी से भरता रहा तो भी नहीं चुका पाऊंगा। ये सब तो ठीक है, ये सब अगर तू बैंक वालों को बताएगा तो बैंक वाले लोन नहीं देंगे। वो मुझे भी पता है। हाँ। मैं पहले बैंक में बात कर चुका हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया यार, तू तो बिजनेसमैन बन गया, आपको हीरोइन देख करके सेटल हो जा। तू ना चुप कर। ए, मेरी बात सुन ना, जब भी मैं टीवी खोलूँ ना तो हमेशा तू उनके साथ ठुमके लगाता हुआ मुझे नजर आए, यही मेरी इच्छा है। अरे हाथ छोड़ना। ट्रीट कब देगा? ट्रीट चाहिए। हाँ तो ठीक है, RTO पुलिस स्टेशन में बाइक रखी हुई, जाकर लेकर ट्रीट दे दे। पुलिस स्टेशन गया तो मेरे घर वाले चिल्लाएंगे, मैं नहीं जाता। चल चल। अरे जाकर बाइक लेकर जाने वाला। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। थैंक्स डॉक्टर। ये कैसे हुआ शिवा? आते वक्त किल से टकरा गया था, 2 इंच रह गया था इसलिए बच गए, अगर थोड़ा और डीप कट हो जाता तो बहुत सीरियस हो जाते। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। शिवा, सॉरी मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। कोई बात नहीं, अंदर आओ। एक बात पूछनी थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बैठो ना, नो प्रॉब्लम। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपका बेटा कैसे मरा था कुछ बता सकते हैं? मुझे
वो मेरा बेटा नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। एक फंक्शन से वापस आ रही थी, सड़क के किनारे जख्मी पड़ा था, कोई गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली गई थी, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। बेचारा ऐसे ही रास्ते में पड़ा था, सर से खून बह रहा था। रवि ये तो बहुत जख्मी है। बेटा आंखें खोलो बेटा, देख क्या रहे हो, उठाओ इसे। नहीं मैडम, अगर अपने ऊपर केस भी हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, सांसें चल रही हैं, पास में हॉस्पिटल है, उठाओ इसे, उठाओ जल्दी करो। मैंने उसे अपनी कार में डाला और पास के हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वो कोमा स्टेज में था। मुझे लगा ठीक हो जाएगा, मैंने उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश भी की। अच्छा, वो वाला केस। वैसे आप उसके लिए इतनी दूर तक क्यों आई हैं? कंप्लेंट दे दी आपने, फॉर्मेलिटीज भी खत्म हो गई, अब घर जाकर अपना काम देखिए। सर वो लड़का अपनी मौत से लड़ रहा है, वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, उसका कुछ पता नहीं है। आप कौन है ये बताइए, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। समाज सेविका है, नाम है गौरी सक्सेना। ओह, तो आप समाज सेविका है, आपके घर में कौन काम करता है? उसके लिए तो घर पर नौकर रखे होंगे ना। पर्सनल अटैक करेंगे तो क्या मैं कंप्लेन नहीं लिखाऊंगी? हम लोगों की भलाई के लिए एनजीओ चलाते हैं और इसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, हम इसे अपनी तरह से हैंडल करते हैं। क्या करेंगे आप, इंटरव्यू लिखिएगा, लिख लीजिए ना। सर आप कौन से जमाने में हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दौरान गवर्नर ऑफिस में लेटर लिख दो तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इस लड़के के बारे में आपने क्या एक्शन लिया है? ईमेल भेजे हैं क्या, फैक्स भेजे हैं क्या? अगर ये सब नहीं किया है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है। आपको जो करना है ना कर लीजिए। 100 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है देश में, कहाँ जाकर ढूंढू, पंडितों से पूछता फिर वो क्या? हाँ, अगर कुछ पता चलता है ना तो खबर भेजूंगा, अभी आप जा सकती हैं। उस दिन किसी की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे मैंने रजिस्टर में साइन किए। तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर ने बताया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मॉर्चुरी में एक अनाथ लाश होकर जलने से तो ये बेहतर है कि तुम्हें उसका फायदा मिले, इसलिए मैं उसकी माँ हूँ ये बताकर मैंने उस दिन साइन किए। क्यों, क्या हुआ? कोई मुझे उसे समझकर वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखते हुए अब लगता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। मर्डर? तुम्हें एक चेहरा देने का सोचा था, लेकिन उस चेहरे के पीछे की मुसीबत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसके बारे में अगर कुछ पता चले तो मेरे फोन नंबर पे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर कर दूंगी, अब मैं क्या बोलूं? तुम अपना ख्याल रखना। बोलो माँ। शिवा, अब तक घर क्यों नहीं आए, कितनी देर हो गई है? मैं घर की तरफ ही आ रहा हूँ माँ। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या? मैं आकर बताता हूँ माँ। मैं, हेलो शिवा, अच्छा और कितनी देर लगेगी तुझे घर पहुँचने में? पहुँच ही रहा हूँ माँ। Yeah.
क्या यार, लोग हेलमेट लेते हैं तो 10 बार पहन कर देखते हैं ना, अब ना जाने किसका चेहरा लेकर इतनी मुसीबतें ले रहा है। इससे बढ़िया तो वो तेरा जला हुआ चेहरा ही था। कौन है पता नहीं, क्यों मेरे पीछे पड़े वो भी पता नहीं। माँ और बहन को कुछ हो गया तो ये मुसीबत खत्म होने तक मैं घर पर नहीं जा पाऊंगा। ए, तू तो यहाँ पर आ गया है और उन लोगों ने गलती से अगर तुझे समझकर मुझे मार दिया तो? बड़ा सेल्फिश है, तेरे घर वालों की चिंता है और अगर मैं मर गया तो? ओए, इतना भी मत पी यार, सर दर्द होगा। हाँ हाँ, तुझसे बड़ा सर दर्द मुझे और क्या होगा? सर दर्द होगा। सुन, आयुषी जब गए थे तो लिफ्ट में एक लड़की मुझे पहचान कर बात कर रही थी। हाँ, वो गुलाब जामुन वाली। अगर उससे पूछे शायद इसके बारे में कुछ पता चले। बहुत बढ़िया आइडिया है भाई। क्या खाएंगे आप लोग? बबल गम। ये देखो। अब वो सब जाने दो। एक्चुअली तुमने इसे लास्ट टाइम कब देखा था? भाई, उसने लिफ्ट में देखा था। नहीं, उसके पहले। ये तो इनको ही पता होगा ना। दरअसल इसके हाल गजनी जैसे हो गए। एक एक्सीडेंट से इसके सर पे चोट लगी और ये पुरानी बातें भूल गया है। ओह माय गॉड, आपसे जब मिला था ना तो उसने अपनी जांग पर लिख कर रखा है। देखिए देखिए यहाँ। नहीं, देखिए ना, यहीं पर ही है। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो याद आ गया, वो तिरची से चेन्नई आने वाली ट्रेन में हम मिले थे, तभी बात करते वक्त इनका नाम पूछा था तो इन्होंने शक्ति बोला था और नेटिव प्लेस तिरची के बाजू में। इससे ज्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता है। इतना हमारे लिए काफी है, इतने में इसकी पुरानी याददाश्त वापस आ जाएगी। पर थैंक्स, चलते हैं। बाय। हेलो माँ, मैं शिवा बोल रहा हूँ। हे शिवा, रात को घर नहीं आया तू, कहाँ रह गया तू? माँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं अर्जेंटली अभी तिरुचि जा रहा हूँ, तुम गीता को मेरे कपड़े और मेरी मेडिकल रिपोर्ट दे देना, वापस आकर मैं सारी बात बताता हूँ, ठीक है? क्यों रे? माँ, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, हाँ प्लीज। बाय शिवा। भाई, शिवा के थोपड़े में शक्ति, हम तो सिर्फ उसका नाम ही जानते हैं ना, और सिर्फ नाम से उसके बारे में इतनी बड़ी सिटी में कैसे पता लगाएंगे? कोई फैमिली सॉन्ग गाएगा क्या? हमें तो उनकी फैमिली का सॉन्ग भी नहीं पता ना। हाँ, तो इधर बैठ। हाँ, 24 यही है। ओए, पहले कुछ नहीं पता था हमें, अब शहर का नाम और शक्ति नाम पता है हमें। अब उस शहर में उतरेंगे तो शक्ति की पहचान का कोई ना कोई तो हमारे पास बात करने आएगा ना। बात करने आएगा तो चलेगा, लेकिन बिना बात किए ही दुश्मन समझकर गोली चला दी तो फिर क्या करेंगे? करेक्ट है यार, चेन्नई में मारने के लिए लोग भेज सकता है वो, शक्ति के गांव में नहीं भेज सकता है क्या? उनमें से एक पकड़कर आप जिसे ढूंढ रहे वो इंसान मैं नहीं हूँ। फेस ट्रांसप्लांटेशन एक्सीडेंट केस समझाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, टॉयलेट की बदबू से डर के मैं गटर में चला जाऊँ? नहीं रे भाई, मैं नहीं जाता। ओए, ट्रेन फुल स्पीड में जा रही है, लेकिन तू कुछ जा, ठीक है? ठीक है, छोड़, यहाँ जाने वाली जान वहाँ चली जाएगी। हे, यहाँ पर लेडीज भी है और तू आधा नंगा बैठा हुआ यहाँ पर क्या कर रहा है? और तू कहाँ जा रहा है? नीट एग्जाम के लिए। तब तो सही कॉस्ट्यूम है भाई। शॉर्ट्स क्यों पहना है? वो वहाँ पहुँचते ही उतरवा देंगे भाई। पर तेरा एग्जाम कहाँ है? त्रिवेंद्रम। क्यों, अपने शहर में जगह नहीं थी क्या? अपने पास जगह कहाँ है? देखा ना, अपने शहर में ठेका खोलने की जगह है लेकिन एग्जाम देने के लिए जगह नहीं। हेलो, हाँ मैं अभी। ऑल द बेस्ट। हे शिवा, व्हाट अ सरप्राइज। एक हफ्ते से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। यू नो व्हाट, हमारी शॉर्ट फिल्म का YouTube पर 7 मिलियन व्यूज मिले हैं। कांग्रेचुलेशन। इस पर भी तो 10 मिलियन व्यूज मिले थे, मुझे कुछ मिला? मुझे तो डायरेक्शन का चांस मिला। आप लोग बैठ जाओ। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार सर, को आप जानते हैं क्या? ट्रेन में चिक्की बेचते हो क्या? ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, तोरणपुर से हैं, वहाँ लोकेशन देखने जा रहे हैं। हाँ जी भाई। सर, दिस इज शिवा, इन्होंने मेरी लाइफ बदल दी, इनकी वजह से ही मैं डायरेक्टर बन पाई हूँ। भाई, हीरो के कहने पे ही मैंने इसे फिल्म में डायरेक्टर रखा, लेकिन ये तो है कि लीनियर अनलीनियर ना जाने क्या क्या बोल रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई। दाल बेचकर कमाए गए पैसे वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं भाई। भाई, सुपरस्टार राजेश खन्ना की अमर प्रेम फिल्म को 50 बार देख चुका हूँ, नींद से उठाकर पूछोगे तो भी धका धक सारे डायलॉग बोल सकता हूँ भाई। यही तो प्रॉब्लम है शिवा, ये अभी भी 1970 में ही है, उसके बाद से टेक्निक कितनी बदल गई है, थोड़ा तो ट्रेंड के हिसाब से बदलिए सर। ठीक है मैडम, ये ट्रेंड ट्रेंड बोलकर अपनी कला को क्लाइमेक्स में मत घुसा देना बोल रहा हूँ। भाई, तुम ही बताओ भाई, क्लाइमेक्स कैसा होना चाहिए? एक हीरो धूल उड़ाते हुए फाइटिंग करके विलेन को मारे तो ही ऑडियंस क्लैप मारेगी ना, वही तो सक्सेस फिल्म का फॉर्मूला है, तभी तो पैसे आएंगे ना। हाँ, तो बहुत बड़े सीरियल, मतलब क्लासिक आदमी। तुम समझ गए। सर, आप चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, किसी को अपने हाथों से मार सकते हैं क्या? कितने परसेंट चांसेस हैं इसके? पर मैंने एक नॉवल में पढ़ा था शिवा, वही मेरी फिल्म का क्लाइमेक्स है। एपिडिफरेंट नाम का एक ड्रग है, किसी के शरीर में अगर ओवरडोज हो जाए तो एड्रेनलिन की वजह से वो मर सकता है, और पता है तुम्हें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो ट्रेस भी नहीं होता, बस पेशेंट को स्टेबल रखकर हॉस्पिटल में एडमिट करना है, फिर एड्रेनलिन जरूरत से ज्यादा इंजेक्ट किया तो पक्का मौत हो जाएगी, 100%। मैं पक्का मर जाऊंगा, फिल्म मास के लिए होनी चाहिए ना। सर, आप फिल्म को पूरा देखने के बाद बताना। तो फिल्म देखने के बाद ही बात कर पाऊंगा अब क्या?
देख लिया ना भाई, हमेशा मुंह फुला कर निकल जाती है, अब मैं क्या करूं भाई। ए, तू क्या कह रहा था कि तेरा पीछा करने वालों को तू ये समझाएगा, उन्हें ये फेस ट्रांसप्लांट समझ में आएगा क्या? एक मिनट रुक, इस दाल फ्राई से पूछ कर देखते। भैया मेरा एक दोस्त हुआ करता था, दिखने में बिल्कुल आप जैसा ही था, भयानक सा। ऐसी बात है? कोई 6 महीने पहले एक फायर एक्सीडेंट में उसका पूरा फेस जलकर खराब हो गया, फिर हमने फेस ट्रांसप्लांट करवाया। क्या किया? फेस ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट नहीं भैया, फेस ट्रांसप्लांट मतलब चेहरा बदलने वाला ऑपरेशन होता है ना, उसके बाद तो आदमी एकदम हीरो जैसा दिखता है। हाँ। ओए, मेरी आंखें फूट गई हैं क्या? मैंने तन्वीर कपूर को कभी देखा नहीं है क्या? इस ट्रेन में मैं ही तुझे मंद बुद्धि नजर आता हूँ। ये दाल फ्राई, दाल का धंधा करते हो फिर भी कितना दिमाग है आप में। आपको ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के बारे में मालूम है क्या? हाँ पता है। वो कैसे पता बताओ? वो गजनी फिल्म में दिखाया था ना, लेकिन इस पर ऐसी कोई फिल्म आई नहीं है, तो मैं कैसे यकीन करूँ? बराबर है, सुपर। ए, अगर हमारे दुश्मनों को पता भी चल गया ना, तब भी वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। कंपटीशन जीतने के बाद मैंने कुछ पूछा था, उसका क्या हुआ वो बताओ। तुम्हारे साथ जीने की तमन्ना होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए ना, वो भरोसा तुम्हारे चेहरे को देखकर नहीं आ रहा है। हम शादी कर सकते हैं, लेकिन जब हम सड़क पर साथ चलेंगे तो किसी ने देखकर लड़का सुंदर दिख रहा है, लड़की ठीक ठाक ही है कहेंगे ना, बस वही मुझे बुरा लगेगा। इसलिए नहीं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी इस बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, यही बात मैंने भी किसी से कही थी, उसे कितना बुरा लगा होगा ये मैं समझ रही हूं। किसी दिन उससे मिलूंगी तो उसे सॉरी जरूर कहूंगी। तब तो तुम्हें मुझसे ही सॉरी बोलना होगा। वो मैं ही हूं। उसका नाम शक्ति था, वो शक्ति मुझे ही समझकर मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो लोग कौन है उसका पता लगाने ही तिरुचि जा रहा हूं। जादू की झप्पी दे रहा है क्या? एक मिनट रुक जाइए मैडम, मैं वापस दे पाऊंगा। क्यों बे, हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, यहाँ तक कि मुझे वहां पर नींद भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 10-12 लोग धार धार तलवार लेकर मेरी गर्दन काटने आ रहे हैं, और डर के मारे में बार बार हल्का होने जा रहा हूँ, और तू यहाँ इस लड़की को गले लगाए खड़ा है। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पर है? अरे इतना तो बता दे, टाइम ही नहीं है। प्रोड्यूसर ने कॉल किया था, 1 घंटे में गाड़ी भेज रहे हैं, हम लोकेशन देखने के लिए जा सकते हैं। तुम और मैडम वो वाला रूम ले लो, और मैं और ये सामने वाला रूम लेंगे। ओए, हम लोग क्या हनीमून पर आए हैं? ए, वही ओके बोल रही, तो तू क्यों नाटक कर रहा है? सुन, इस शहर के RTO ऑफिस, आधार ऑफिस, हर ऑफिस में मेरी फोटो दिखाकर कुछ पता चल सकता है तो देख। मैं भीड़ वाली जगह पर जाकर देखता हूँ कोई मुझसे बात करता है या नहीं। ए, उसने दुनिया भर से कर्जा ले रखा होगा, कहीं तुझे ना दबोच ले, संभल कर। कोई क्लू मिला क्या?
शिवा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे फेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, पर ये तुम्हारा फेस नहीं है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, ये सारी डिटेल्स एक वीडियो में एक्सप्लेन करके तुम फेसबुक और ट्विटर पे अपलोड कर दो, जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो ये सब देख लेंगे ना। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी पहले से कम प्रॉब्लम नहीं है, इस पर एक और मुसीबत लेनी है क्या? ए, अगर कुछ मुसीबत हुई तो बोल देंगे कि ये हमने नहीं डाला, आजकल यही फैशन है बे। ए, आजकल बेकार की चीजें भी ट्रेंड पर हो रही है, तुम्हारी शॉर्ट फिल्म भी ट्रेंड पर हुई थी ना। ए नहीं, मतलब मैं तो एग्जांपल ही दे रहा हूँ। ठीक है, बोलते रहो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। सर आंखें मत बंद करिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए सर, सर दादी तुम चुप रहो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ आपको। पोती सुनती ही नहीं। मैं दवाई लेकर दे देती हूँ, आप टाइम से ले लेना। ठीक है बेटी। ओके डॉक्टर, ये इंजेक्शन लेकर आ जाइए। हाँ वो देखो वो बेटा। ए? शिवा क्या हुआ? पता नहीं कौन है, रास्ते पर जाने वाले को अनजाने में काम मुसीबत है, ऊपर से ये एक्सीडेंट। वो जिंदा है कि मर गया? पता नहीं यार। सिस्टर डॉक्टर लक्ष्मी को अर्जेंटली ओटी में भेजो। It's a head injury and mild concussion. So anything could be told only after 24 hours of observation. I think you'll have to wait. एग्रोटेक, ये हमारी टीम का 9 months का प्रोजेक्ट है। इसके इंडस्ट्रीज अगर देखेंगे तो नेदरलैंड में रहने वाले फार्मर्स एंड द की फीचर्स ऑफ द एग्रोटेक आर स्मार्ट इरिगेशन मेथड्स विद मिनिमम यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर, अलाउड मैसेजेस विद वेदर प्रेडिक्शंस, वीडियो ट्यूटोरियल बाय एक्सपर्ट्स फॉर इफेक्टिव क्रॉप मैनेजमेंट। आपको कुछ समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? तो सामने बैठ के एक्टिंग कर रहे हो? टकले, जस्ट किडिंग, यू कंटिन्यू। माया, बीसी गूगल मैप को कस्टमाइज करके हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप क्रिएट किया है। इसकी हेल्प से फार्मर्स अपने रजिस्टर्ड लैंड की ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को यूज करके किसान अपनी फसल को बिना किसी ब्रोकर के बेच सकता है। सो इस एप्लीकेशन की वजह से जो लोग बीच में कमीशन ले जाते हैं अब वो नहीं होगा, और इसकी मदद से किसानों को खेती के लिए जो कर्जा लेना पड़ता है अब वो नहीं लेना पड़ेगा। फिर किसान को आत्महत्या भी नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। यस, हमारी 9 महीने की मेहनत एक देश के फ्यूचर को बदलने वाली है। थैंक यू।
ग्रेट जॉब शक्ति. थैंक्स. मेहनत मेरी भी थी. ग्रेट जॉब टू यू ऑल्सो. इनकी भी थी. आई मीन ग्रेट जॉब टू यू एज वेल. दो मिनट के लिए सब बाहर वेट करो. विल गेट बैक टू यू. हार्दिक. हाय चंद्रू, हाउ इज इट गोइंग? एवरीथिंग इज परफेक्ट मैन. ऑलराइट. ऑफिस की सारी फाइल्स आ गई है ना? हाँ, फाइल सब दे दिया है मैंने. या ओके देन, बाकी हम देख लेंगे. ओके, कीप अपडेटेड. चंद्रू. शक्ति, आप सुबह 11 बजे ऑफिस आते हो, शाम को कितने बजे घर जाते हो? 8 PM. लेकिन वर्किंग आवर्स तो सब ठीक है. वो तो ठीक है. ऑफिस के इंटरनेट पर यूट्यूब देखते रहते हो, फूड कोर्ट में लड़कियों के साथ घंटों टाइम बर्बाद करते हो, ऑफिस के फोन पर पर्सनल फोन करते हो. हम यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं क्या चंद्रू? यूट्यूब देख रहा हूँ, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, ये सब फॉल्स एक्यूजेशन. तुम लोग भी जानते हो, तुम्हारी डेडलाइन से पहले ओवर टाइम करके तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है. आखिर कहना क्या चाहते हो? शक्ति, तुम्हें काम से निकाला जाता है, अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है. सर, दिस इज एक्सट्रीमली अनफेयर. प्रेजेंटेशन पर ग्रेट जॉब कहा था, कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया आपने. इसमें क्या अनफेयर है? तुम्हारे साथ साथ आज 100 लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं. ये यूजुअल होने वाला रोल नॉर्मलाइजेशन है. इवनिंग 5 इज योर डेडलाइन, उससे पहले रिजाइन कर दो. आपका आईडी कार्ड दो. कहानी मत सुनाओ, आपका आईडी कार्ड दो. सर, मेरी पूरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है, प्लीज. तो मैं क्या करूं? आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो, निकल जाओ यहां से. चलो निकलो. ए, क्या हुआ यार? नौकरी से निकाल दिया यार. नौकरी से निकाल दिया? हे यार, अभी तो प्रोजेक्ट सबमिट किया था. वैसे इन लोगों को हमें इंक्रीमेंट देना चाहिए था. इन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि पूरा प्रोजेक्ट मैंने किया है? चंद्रू से मैं बात कर लूंगा, तू टेंशन मत ले. ओके? क्या हुआ वॉचमैन, कोई खुशखबरी है क्या? तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है, आईडी कार्ड दो. मुझे भी नौकरी से निकाल दिया है. चलो जल्दी आकर बोल रहे हो, उन्हें बुलाओ. आईडी कार्ड दो, बाद में बात करना. एक्सप्लेनेशन में आईडी कार्ड पता नहीं आपको. काम से निकाल दिया है. सिक्योरिटी, अरे क्या कर रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? चलो 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 बाहर, चलो बुलाओ, चलो बाहर निकलो. बात करना चाहता हूं, बुलाओ. चलो चलो बाद में बात करना. चलो बाहर, चलो. तीन साल से हम सब एक ही टीम में काम करते थे, आज उन्हीं लोगों के हाथों में धक्का देकर निकलवा दिया. हमारी कंपनी, हमारी कंपनी, कैसी हमारी कंपनी? अगले महीने के EMI सोचकर डर लग रहा है. मुझे क्रेडिट कार्ड के 95,000 देने बाकी है. सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है. मेरा दोस्त एक कंपनी में टीम लीडर है, क्या मैं उससे जॉब के लिए पूछूं? कोई जरूरत नहीं है. और कितने दिन हम इन अंग्रेजों की कंपनी में मजदूरी करते रहेंगे? इसलिए हमें पैदा किया था क्या? लेकिन हम क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई की है, काबिलियत है, इसीलिए तो IT में आए हैं ना. हमने BE कंप्यूटर साइंस की है, कोडिंग के अलावा हमें आता क्या है? हमें सिर्फ यही पता है क्या? सोच कर देखो. ए, सोचने वाली हालत में नहीं हम लोग. नौकरी से निकाल दिया हमें. 3 साल उस घटिया कंपनी में काम किया हम लोगों ने. अब सिर्फ नेदरलैंड की फार्मेसी सपने में दिखाई देती है. हमारे पास इतनी नॉलेज तो है. क्या नेदरलैंड में क्या खेती होती है उसकी नॉलेज? लेकिन हम नेदरलैंड के बारे में क्यों सोचे? हमारे गाँव में खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में सोचते हैं. तू क्या बोल रहा है यार? हमारे गाँव में 5 एकड़ खेत है. मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती करने वाला हूँ. अभी से शुरुआत करते हैं माया. 5 साल में एक बार किसी अंगूठा छाप के इशारे पे हम अपनी जिंदगी नहीं जीने वाले. हमें मेहनत करनी होगी. बात तो सही है, सुनने में अच्छा भी लग रहा है. हम फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं, कभी अपने बारे में सोचते भी नहीं है. इससे अच्छा तो अपनी जमीन पे खुद ही खेती कर लें. मोटे भैया कैसा है तू? इस गांव में सिर्फ तू ही खाते पीते घर का इंसान दिखा है.
आजा मेरे पास आ। अरे शक्ति बेटा कब आए? ठीक हो ना? कैसा है तू? मेरा दोस्त बालाजी है। ये कौन है? हम दोनों की नौकरी एक साथ ही लगी थी और छूट भी एक साथ ही गई। अरे तो तेरी भी नौकरी चली गई क्या? हाँ माँ। हाँ माँ, बाबा से बात की क्या? मुझे बहुत डर सा लग रहा है बेटा। वो जब अच्छे मूड में होंगे तब जाके बोल देना, मैं कुछ बोलूंगी तो मुझ पर बरस पड़ेंगे। क्यों बेटा, इस बार कितने दिन की छुट्टी है? बाबा वो क्या है ना कि तो इस बार कुछ दिन रहकर ही जाना। दिन नहीं अंकल, अब परमानेंट हम यही रहने वाले हैं। मेरा कमरा कहाँ है? बाबा ये मेरा दोस्त बालाजी। नमस्ते अंकल, ये शक्ति का भाई लड्डू है। नमस्ते। छुट्टी पर नहीं आया, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ा नहीं है, नौकरी से भगा दिया है इन लोगों को। ये ले बैग लेकर अंदर जा। कोई बात नहीं, इन आईटी कंपनियों का तो यही काम है। वेरिजोन में भी 650 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें तो 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, कहीं भी नौकरी मिल सकती है तुम्हें। मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता, अपनी जमीन पर ही खेती करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी मेहनत करके तुझे इतना पढ़ाया और तू वापस यहाँ इस कीचड़ में आना चाहता है? ये सिर्फ कीचड़ नहीं है बाबा, सुरंग है। मैंने आईटी में होते हुए भी विदेश में क्या बोओगे, कैसी फसल होगी, ये जानने के लिए बहुत सी रिसर्च करके एक नया ऐप डेवलप किया है। हम किसी दूसरे देश के लिए जो कर रहे हैं वो हम अपने गांव के लिए क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। 70% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। यू हैव रेड अबाउट वेरिजोन बट यू डोंट नो अबाउट दिस। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ए पागल हो गया क्या? खेती करने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी की वजह से तो मैं खुद जमीन बेचकर चेन्नई जाकर सेटल होने की सोच रहा हूँ। चेन्नई में पानी है, आपसे किसने कहा? तुझे क्या पता है बेटा, काउंसलर ने खुद कहा है कि हमारी जमीन के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। कल ही आए थे, 1,00,000 रुपए एडवांस देकर गए हैं वो। तुम बेकार की बातें मत सोचो। ए लड्डू मेरा बैग लेकर आ। अरे रुक, मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए, हम कहीं और जाकर खेती कर लेंगे। अच्छा चाय तो दो। ये काउंसलर का घर है? बाप रे इतना बड़ा बना रखा है। पांडिचेरी के सीएम का घर भी इतना बड़ा नहीं होगा। लगता है खानदान ही अमीर है। अंदर जाकर खाना खाइए और जमीन के बारे में पूछिए। नमस्कार सर। आओ बेटे, पापा ने भेजा है क्या? पंडित जी से रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, परसों अष्टमी और नवमी पड़ जाएगी इसलिए कल ही करने के लिए कहा है। सर उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। अभी फिलहाल मेरा वो जमीन बेचने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है कहकर आपका एडवांस वापस देने आया हूँ। छोटे, तुम्हारी जमीन को बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए पेमेंट पक्का है। नहीं सर, अभी उसे बेचने का इरादा नहीं है, प्लान बदल गया है सर। बीपी की गोली लेकर आ जा। क्यों, रेट बढ़ाने के लिए आदमी लेकर आए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। सर मेरा चेहरा देखिए, क्या आपको डराने वाला चेहरा लगता है? दिल लगा के विलनगिरी पुराने जमाने में होता था, पावर का चश्मा पहनकर गुंडागर्दी आज के जमाने में। नाइस कॉमेडी सर। सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा गांव के मुखिया हैं। उन्होंने रकम वापस कर दी तो बाकी लोगों पर बुरा असर पड़ेगा, फिर गांव के लोग जमीन नहीं बेचेंगे, वापस मांगेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं सर? अभी हमें जमीन नहीं बेचनी सर, आप अपना एडवांस ले लीजिए। उस जमीन को रखकर क्या करोगे तुम? वो हम देख लेंगे सर। सर धन्यवाद सर। सर एक डाउट है, वहां पर जितने भी अवार्ड रखे हैं ये सब के सब आपको ही मिले हैं क्या? निकल। मेरी बात सुनो शक्ति, तुम मेरे बेटे हो इसलिए जो तुम कहोगे वो फैसला नहीं ले सकते। यहाँ गांव के लोग जो फैसला लेंगे वही पंचायत का फैसला होगा। हाँ जी वही न्याय होगा, ठीक है ना? देखिए 2-3 पीढ़ियों से तो अपने गांव में खेती नहीं है, मिट्टी हुई खेती में हम सब मिलकर जान डालने वाले हैं। क्यों भाई, मुखिया के बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? यहाँ धोने तक का पानी नहीं है, ये खेती करने चला है। ऐसी सोच की वजह से हमारा गांव आगे नहीं है। अभी क्या पानी नहीं है, वही दिक्कत है ना? कल्याणी नदी में पानी ना होने से बहुत साल से सूखा पड़ा हुआ है। अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी अपने गांव में पानी नहीं है। अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर पुंगड़ी गांव में जब ज्यादा बारिश होती है तब उसका पानी बेकार में सीधे समंदर में जाकर मिल जाता है। उस पानी को अपने गांव की तरफ मोड़ना ही मेरा प्लान है। मुझे तो इन बच्चों की बातें सही नहीं लग रही हैं। नहीं लग रही ना, कैसे लगेगी? पिछले 25 साल में आपके गांव में किसी ने खेती करके मुनाफा कमाया क्या? घर खरीदा है क्या? घर बेचे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट करने वाला, मिट्टी उठाने वाला, बाड़ चलाने वालों ने खूब मुनाफा कमाया है, लेकिन किसानों ने सिर्फ आत्महत्या की होगी। लोग बैंक से करोड़ों का लोन लेकर उन्हें धोखा देकर फौरन निकल जाते हैं,
लेकिन 6000 के लोन के लिए पुलिस किसान को मारती है। ये बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर बदल देंगे तो उन्हें मुनाफा कैसे मिलेगा? वो सब लोग आपकी जमीन लेकर यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए तो नेताओं को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है। वो लोग चाहे बदले ना बदले, लेकिन हम बदल सकते हैं। हमारे पास एक प्लान है, हम आप सबको वही दिखाना चाहते हैं। इसी नदी की बात कर रहे हैं। उस गांव में पानी इस्तेमाल होने के बाद बचा हुआ पूरा पानी समंदर में जाकर मिलता है। उस नदी के रास्ते में लगभग 20 किलोमीटर दूर तक नहर बनाकर उस नदी के पानी को अपने गांव के कल्याणी नदी के साथ जोड़ देंगे तो आसपास के कुएं, नहर सबको पानी पहुंचेगा और गांव का भला होगा। और उसके बाद भी अगर पानी बचता है तो समंदर में जाकर मिल जाएगा। अपने देश में 134 करोड़ कंज्यूमर्स हैं और घाटे में जाने वाला एक ही धंधा है, वो है खेती। जहां देखो जल अकाल बताया जा रहा है। उस जल अकाल को खत्म करना है तो इंडिया की सारी नदियों को जोड़ना होगा, यही हमारा प्लान है। अगर ये कर दिया तो हमारे गांव में खेती बारिश के भरोसे नहीं रहेगी। हम लोग पसीना बहाकर जो मेहनत करेंगे उसके भरोसे और साल भर बहने वाले उस पानी के भरोसे रहेंगे। वैसे बात तो सही कह रहे हो, तुम अपने एमएलए को बताओगे तो करवा देगा। वो कुछ करने वाले नहीं है। 50 सालों से आपके एमएलए और हम जिन्हें वोट देकर जिता रहे हैं वो कावेरी का पानी नहीं ला सकते थे क्या? आपके जो एमएलए है ना, वो क्या धंधा करते हैं? मिट्टी बेचते हैं। हमारे गांव में नदी का पानी आ गया तो हम खेती करने लगेंगे तो मिट्टी कहां से निकालेंगे? सुनो, उल्लुओं की बातों पर भरोसा करोगे ना, बीच नदी में नंगा करके चलते बनेंगे। ये मंगल सूत्र पहनाए बिना घर बसाने वाले लोगों में आते हैं। इनकी बातें सुनकर इनके पीछे जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। चुपचाप अपनी सारी जमीन मुझे बेचो और उन्हीं पैसों से आराम की जिंदगी जियो। बेटा, 40 साल बाद अपना गांव पहले जैसा दिख रहा है। इस बुढ़िया के मरने से पहले अपने गांव को बदल दिया। ये लो, मेरे से इतना ही हो सका, मेरा बच्चा। अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग खेती करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर, आप ही पहले इंसान हो जिसने भरोसे के साथ बात की। बाकी के लोग तो पहले कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है उसे देखने की बजाय उसे रिजेक्ट करने की सोचते हैं। उन लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तीनों लोग अपने भरोसे को मत टूटने देना। ये समझने की कोशिश करो कि उन्हें क्या चाहिए। और क्या होगा सर, सबको पैसा ही चाहिए, लेकिन वो मांगते भी तो नहीं है। देखिए मैडम, वो खुलकर थोड़ी मांगेंगे, काम तो आपको करवाना है, तो मौका देखकर आप ही उनसे पूछिए कि क्या चाहिए और दे दीजिए। तो आप किस बात की सैलरी लेते हैं? देखो भाई, मैं वैसा नहीं हूं। मेरी बात सुनो, तमिलनाडु वाटर एंड ड्रेनेज TWAD बोलते हैं, उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो मुझसे या मेरी तरफ से जो कुछ भी होगा मैं करके दूंगा। थैंक्स सर। देखिए भाई साहब, जितना हो सकता है कर दिया। गाड़ी बहुत पुरानी है, चल रही है, यही बहुत है। अरे कोई अच्छी गाड़ी खरीद लीजिए, क्या कंजूसों की तरह हरकत करते हैं। आधार कार्ड क्या आया, उम्र ही नहीं सारी पर्सनल जानकारी लीक हो जाती है। सर कौन है? मेरा नाम शक्ति है, एक निवेदन पत्र के बारे में बात करना। अरे मेरे भाई, ऑफिस में आकर जानकाते हो, अब यहाँ पर भी। हमने तो सुना है कि आप ऑफिस जाते नहीं। किसने कहा? वो ऑफिस में आप बहुत काम करते ना, तो हमने सोचा आपसे बाहर ही मिलने। क्या बात है? वो नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट की जो बात थी ना, वो हमने की थी। नदियों को जोड़ना घर का पाइपलाइन जोड़ने जैसा आसान समझ रहे हो? बेकार की बातें मत करो। सर समझ नहीं आया, इसमें बेकार की बात क्या है? अगली पीढ़ी अकाल में मरेगी तो उसका पाप आकर हमें लगेगा ना सर। ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं सर। ये क्या है? कार है? नहीं है क्या? पुरानी है। इंस्टॉलमेंट में है या सिंगल पेमेंट? ब्याज पे ली है। सर वो NOC दे दोगे तो हम अपना काम शुरू कर देंगे। हम ब्याज पर पैसे नहीं लेते, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, पेमेंट घर पर आ जाता है। आप क्यों लेंगे सर, लोग ब्याज पे पैसे लेके मर जाते हैं, आप पीछे मुड़कर भी नहीं देते। एवरेज क्या देती है ये? सर हम क्या बात कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, उस NOC का क्या हुआ सर? तुम जो मांग रहे हो वो कोई छोटी बात नहीं है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बात को समझा करो। क्यों भाई, गाड़ी बन गई क्या? ने बताया था ना कि मुंह खोलकर कुछ भी नहीं मांगता। ये देख इसकी नजर किस पे है। क्या बकवास है ये? सर ये बकवास नहीं है सर,
पुंगोड़ी नदी जो समंदर में बेकार होकर मिल जाती है उसे कल्याणी नदी की तरफ घुमा देंगे तो हजारों किसान परिवार खेती करके जिंदा रहेंगे सर। उन लोगों की जिंदगी के बारे में तुम लोगों को क्या पड़ी है? एमएलए और हम जैसे अधिकारी आके चाय पीने के लिए बैठे हैं। ये सब आपने क्यों नहीं किया ये गाँव वालों को पता है। अब इस पर हम बहस नहीं करना चाहते। जरूरत हमारी है तो हम ही काम करेंगे। जी हां, आप लोग जमीन खोदेंगे, पानी लेकर आओगे, खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो और गाँव वालों को मारना चाहते हो क्या? हम उन्हें मारना चाहते? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे सर। हमारे गांव में खेती करने के लिए पानी की जरूरत है। उस पानी को हम खुद ले आएंगे, बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। खेती, जानवर, गोबर, ये सुनते घिन सी आ जाती है मुझे। मैं भी किसान की फैमिली से आया हूँ, कोई फायदा नहीं है। सेंटीमेंट दिखाने के अलावा इसमें कुछ नहीं रखा है। मेरी दादी ने मरने से पहले कसम ली थी, ये खेती मत करना, कभी बर्बाद हो जाओगे। मेरी दादी ने भी कसम दी थी कि अगर खेती के बारे में कोई गलत बोले तो उसका मुंह तोड़ देना। सुन के बुरा लगा ना आपको? तो चुप करिए। हम यहाँ परमिशन मांगने हैं और ये हमें अपनी दादी की कहानी सुना रहे हैं। सर प्लीज सर, भूखे इंसान के सामने खाना लेकर कचरे में फेंक देना ये सबसे बड़ा पाप है सर। वो पाप आप मत कीजिए सर। हजारों फैमिलीज खेती करके खुश रह सकती हैं। गांव वाले खुद ही पैसा इकट्ठा करके नहर में काम करने के लिए तैयार हैं। बस आपकी परमिशन चाहिए सर। आप जो भी कहो, इतनी बड़ी बात पब्लिकली करने की परमिशन नहीं दे सकते हम लोग। चाहो तो एक अर्जी लिख कर दे दो, अगर सब ठीक रहा तो गवर्नमेंट उसे देख लेगी। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर को देखकर आपने वाइन शॉप पर बाहर चलाने की परमिशन दी है। पैसे लेकर दिया है ना? क्या बोला? लोगों को भला करना चाहते हो, वो भी पैसा लेकर। कैसे ऑफिसर हो तुम? तू किससे बात कर रहा पता है? मुझसे बात कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। सर आप परमिशन देंगे या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए, बेकार की बात मत कीजिए प्लीज। मैंने कहा ना अर्जी लिखकर दे दो, देख लेंगे। देख लेंगे सर। हाँ देख लेना। देख लेंगे। इन सब से काम नहीं बनेगा। देखा ना वो कैसे बातें कर रहा था। ऑफिसर के नाम पे सब दलाल बैठे। सैलरी बोनस कम पड़ गया तो स्ट्राइक, इसके अलावा पैसा देंगे तो काम होगा। छे, अपने गांव वालों के लिए हारना कोई नई बात नहीं है। उसके लिए सब कुछ भूलकर हम भी हाथ खड़े कर दें क्या? ए, ए, मुझ पे गुस्सा क्यों दिखा रहा है? पैर भी पकड़ लेगा तो भी परमिशन नहीं मिलेगी। मिलेगी, देनी ही पड़ेगी। ए, जरा इधर आ। हमें बुला रहे हो? हाँ तुम लोग। यही लोग हैं सर। हे राजन, तुम्हें एक बात पता है क्या? सर ये दोनों कुछ दिन पहले चेन्नई में आईटी कंपनी में जॉब करते थे और वहां से इन्हें जॉब से निकाल दिया गया। अब कमाई का जरिया क्या बनाया जाए ये सोचकर इन दोनों ने बेवकूफ लोगों को पकड़ लिया। इन्होंने खेती, पानी, फसल की क्रांति नाम से पब्लिक के बीच में जाकर उनका दिमाग खराब करके उनके पास से पैसे लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जाकर सेटल होना चाहते हैं। यही है ना तुम दोनों का प्लान? हा? भाई तुझे एक बात पता है क्या? पुंगोड़ी वाटर सर्विस सर का ही है। 62 पानी के टैंकर चलते हैं इनके। गांव में अच्छा पानी आ गया तो सर का पानी का बिजनेस बर्बाद हो जाएगा ना। यही था ना सर आपका पक्का प्लान? आपके 62 टैंकर है सर, आप तो इंस्पेक्टर है ना, वो महीने का 50-60 ही मिलता होगा। हम लोग भी आईटी कंपनी में इतना ही कमा रहे थे, लेकिन जितना भी काम करो महीने की 2-4 किस्तों में ही सब चला जाता है, तो आपके 62 टैंकर कैसे चलते हैं? कितने परिवार तोड़े होंगे आपने? ए, क्या कहा तूने? सर देखिए ऐसी गलती मत कीजिए। समझता क्या है तू? प्लीज सर। सर ये लड़के पढ़े लिखे हैं सर। घोर क्या रहा है तू? अब गोली चला तो 6 लोगों को गोली मार सकता है ना, लेकिन 7वां तुझे यहीं जलाकर राख कर देगा। हम सबका भला सोचकर यहां आने वाले हर किसी का मैं धन्यवाद करता हूं। हर ऑफिस में हम जा चुके हैं,
हर दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुला। किसी ने हमारी इज्जत नहीं की। वो लोग अब मुड़ कर देखे, इसीलिए ये आंदोलन है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसर, आप सबकी बात सुने, सबके लिए आत्महत्या करना जरूरी है क्या? और ऐसे कितनी जाने जाएंगी? एक जान भी नहीं जानी चाहिए। इनको हमने वोट क्यों दिया है? आधार कार्ड और फोन नंबर लिंक करने के लिए क्या? क्या मांगा है हमने? वेस्ट जाने वाले पानी को हमारे गांव की तरफ मोड़ दो ताकि हम खेती कर लें। तमिलनाडु से किसान दिल्ली गए थे और 40 से 50 दिन वहां धरना दिया था बिना खाए पिए। किसी ने मुड़कर देखा? आज तक उनकी मांग पूरी हुई क्या? ये सब किसके बलबूते पर होता है? ये लोग कुछ नहीं करते, बस इलेक्शन के वक्त हमारे मुंह पे 1000-2000 रुपए मार देते हैं और हम हंसते हंसते ने वोट दे देते हैं। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर गांव पर कोई मुसीबत आए तो अपने घर के लोग उसे देख लेंगे ये सोचने वाले आप तमाम औरतें अपने बच्चों को लेकर ऐसी तपती हुई धूप में आकर बैठे हुए हैं, यही हमारी पहली जीत है। एक लड़की ने आग मारी, उसके वीडियो को 10 मिनट में करोड़ों लोगों ने लाइक किया, लेकिन किसान पर कोई मुसीबत आती है तो कोई हमें मुड़कर भी नहीं देखता। कहते हैं कि खेती ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज हर एक के लिए झुक झुक कर वही रीढ़ की हड्डी घिस चुकी है। इंडिया की सारी नदियों को खेती के लिए जोड़ना चाहिए, ये बोल बोल कर खेती को ही मार डाला है। दो गांव की नदियों को जोड़ने की परमिशन के लिए ही ये आंदोलन है, ये तो बस शुरुआत है। हम साथ हैं ना, हम संघर्ष करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। नमस्ते बेटा, जरा ये दो। बेटा आपका ये संघर्ष पूरी तरह से सफल हो इसलिए इस काउंसलर की तरफ से आपको शुभकामनाएं। अब ये एक इंसान का संघर्ष नहीं है, आपके संघर्ष के लिए काका कोको पार्टी आपको सपोर्ट करेगी पूरे मन के साथ। आप यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये हम सबके जीवन का संघर्ष है। भगवान के लिए इस पर राजनीति मत कीजिए। देखो बहुत पावरफुल पार्टी है, सोच समझ कर बोलो। जाइए सर। मैंने पावरफुल पार्टी बोला था? बोला ना, निकल। भीड़ में वीरता। चलो सब लोग। शक्ति, आप ये जो सब कर रहे हैं वो पब्लिक न्यूसेंस है, पहले वो जान लीजिए। आपकी तरह जो फेसबुक क्रांतिकारी होते हैं ना, उन्हें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है पता नहीं होता। ये सब आपके लिए एक फैशन बन गया है। पब्लिकली लोगों को इकट्ठा करने पर सारी मुसीबतों का हल निकल जाएगा क्या? सर, मैं जो बोल रहा हूँ उसे गलत मत समझिएगा। हम लोग यहाँ आकर टाइम पास के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आए हैं। हल चलते देख जवान हुए हैं, हमें कोई और काम करने को कहोगे तो कोई कैसे करेगा? ये वो हक मांग रहे हैं तो आप उसे पब्लिक न्यूसेंस बता रहे हैं? ये बात इतनी आगे तक पहुंची, इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं सर। वहाँ जो कुछ भी हुआ ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो वायलेंस आया कहाँ से? उस मौके का फायदा उठाने के लिए लोग वहाँ पर आए, ये प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। आप में हिम्मत है तो पहले उन्हें अंदर करो।
वो अगर ज्यादा बात करेंगे तब हमसे बात करो। देखो धरना वगैरह करने से काम नहीं चलेगा, कोई नहीं सुनने वाला है, बातचीत करनी होगी। ऐसे धीरे धीरे बातचीत करते करते 50 साल गुजर गए और आप बोलते बातचीत से बात करो। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना, ग्राउंड प्लान जाने बिना, सिर्फ मैन पावर को लेकर कैसे पूरा कर पाएंगे? क्यों सर, तंजावुर टेम्पल किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खड़ा किया था क्या? अंग्रेज बाल नोच रहे सर, 80 टन के पत्थर को उठाकर गुंबद कैसे बनाया होगा। हम भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है सर, हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, आप प्लीज देख लीजिए उसे सर। हम लोगों को परमिशन मिल गई है। Exactly इस प्लान के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को पूरा क्लीन करो। जी। Do one thing. We'll start from here. शक्ति। और HR का कॉल आया है। ठीक है, पहले ये कर। हेलो शक्ति। हाँ चंद्रू, शक्ति बोल रहा हूँ, बोलिए। एक गुड न्यूज है, अपनी कंपनी के रिकंसिडरेशन लिस्ट में तुम्हारा नाम भी डाला है। डीमोनेटाइजेशन कर लिया क्या? नहीं बालाजी, एक न्यू अमेरिकन प्रोजेक्ट है, आपको फिर से नौकरी पर बुला रहे हैं। सैलरी होगी $500,000 पर एनम। वाओ, झूठ बोल रहे हो ना? सच बोल रहा हूँ, आप दोनों को $500,000 सैलरी मिलेगी। माया को? माया को भी उतना ही मिलेगा। उसकी दादी को? What? No, some cross don't call. Shakti want to say something. चंद्रू, हमें नौकरी से निकाला, उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। हमें यहाँ जो पसंद है वही कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। And Chandru, one more thing. Yeah, tell me. Do you have a time to listen? Okay, go ahead. हफ्ते में 8 days you are working and Saturday night you are drinking. जैसे अचानक हमें नौकरी से निकाल दे, ऐसे तुम्हें भी निकाल देंगे। इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। You can come to my गांव. There are 8 भैंसिया. Daily गोबर उठाने के लिए आदमी नहीं है. You come, I will give you 80 rupees दिहाड़ी. फोन रख दिया उसने। क्यों भाई, कहाँ थे? गांव चले गए थे क्या? तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ बातें ही करता हूँ? काम खत्म होने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। अच्छी बात है। काम खत्म होने के बाद जब उद्घाटन होगा ना, वहाँ मेरा नाम भी लिख देना, इतिहास बहुत जरूरी है। ए, शक्ति बैंक में वेट कर रहा है, तुम जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो। सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेज देना, ठीक है ना? यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। ठीक है, ठीक है।
उस दिन उस हादसे में 21 लोग मर गए, जिसकी वजह से शक्ति हमेशा गिल्टी फील करता था। उस दिन मैंने शक्ति को आखिरी बार देखा। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पुलिस में भी कंप्लेंट करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वैसे आपको उसका चेहरा मिला है तो कहीं शक्ति किसी एक्सीडेंट में तो? शक्ति का एक्सीडेंट नहीं, खून हुआ था। इसलिए मैं उनकी तरह देख रहा हूं तो वो मेरे पीछे घूम रहे हैं। मेरी सर्जरी के लिए साइन करने वाले से भी पूछा था, उनको भी कुछ नहीं पता। माया, तुमने जो बताया उसके मुताबिक मुझे तो उस काउंसलर पर शक हो रहा है। नहीं, वो काउंसलर तो एक हादसे में मारा गया। उन्हें हम पर नाराजगी थी, लेकिन वो कभी शक्ति की जान नहीं ले सकते। माया, इफ यू डोंट माइंड, आपके उस रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की डिटेल्स में देख सकता हूं क्या? ये शक्ति का लैपटॉप है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, लेकिन पासवर्ड मैं नहीं जानती। मैं एक बार ट्राई करके देखूं क्या? शिवा, इसमें फेस रिकॉग्निशन ऑप्शन है। आपके रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की फुल डिटेल्स देखी, रियली अमेजिंग। अपने देश का जीडीपी बढ़ाना है तो ऐसे पूरे भारत की नदियों को जोड़कर एग्रीकल्चर को बढ़ाना होगा। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की हेल्प के लिए मैं अमेरिका की कम्युनिटी से $5,000 का चेक भेज रहा हूँ। काइंडली कंट्रीब्यूशन टू योर होमलैंड। ये देखो जरा, 10 TMC पानी सब बेकार में समंदर में जाकर मिल जाता है। इसे गाँव तक ले जाकर खेती करने के लिए ही शक्ति भाई संघर्ष कर रहे हैं। वही तो, किसान का जिंदा रहना आपको पसंद नहीं है ना? चाहे जो भी हो जाए, इस पानी को कल्याणी नदी से जोड़े बिना चुप नहीं बैठेंगे हम। सुनो, अपने सारे अधिकारियों तक ये बात पहुंच जाए, इसे इतना शेयर करो। माया, ये आपकी मेल आईडी है ना? हाँ, ये मेरी आईडी है, लेकिन डिलीवर क्यों नहीं हुई? 5 जून को आपको एक मेल भेजने की कोशिश की थी, लेकिन गलत एड्रेस भेजने की वजह से वो आपको डिलीवर नहीं हो पाया। इसे ओपन करके देख। माया, माया, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर जिंदा रहूंगा, पता नहीं, लेकिन तुम्हें सच जानना होगा। शक्ति, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस मिट्टी के ढहने की वजह से 21 लोग मर गए हैं ना, तुम्हें उसकी वजह बताकर FIR किया उन्होंने। तुम पहले यहाँ से निकलो। सर, ये बालाजी के हाथ में था सर। मिट्टी खुद ब खुद नहीं गिरी थी सर, किसी ने प्लान करके बॉम्ब लगाया हुआ था सर। बॉम्ब? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा सर। चलिए अभी कमिश्नर के पास सर, मीडिया को इन्फॉर्म करते सर। राजन सर, मेरे गांव वालों की मेहनत। देखो, तुम घबराओ मत, इसे तरीके से हैंडल करना होगा। पहले AC को इन्फॉर्म करना होगा। तुम एक मिनट रुको, मैं फोन लेकर आता हूँ। एक मिनट। हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, शक्ति यहीं पर है सर। अच्छा लड़का है सर, उसकी कोई गलती नहीं है सर। मैं अभी 10 मिनट में लेकर आता हूँ उसे। ओके सर,
ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम यही रुको। हाँ कैमरे में अच्छे से दिखेगा सर आपको। यहाँ के गांव के लोग बेवकूफ हैं, आपको दिलवा दूंगा मैं, बस मुझे 5% कमीशन चाहिए होगा। आर यू अंडरस्टैंड? आपकी बात तो लाजवाब है। और बताइए, खातिरदारी में कुछ बाकी है तो पूरा कर देता हूँ। खुश कर दिया आपने, बातों में भला आपसे कौन जीत सकता है सर। आपसे कई बार पैसे ले चुके हैं, लेकिन पूछना तो नहीं चाहिए, बस दिल पूछना चाह रहा है। आपने पहले ही बहुत गैस निकाल लिया है, अब यहाँ और क्या निकालने वाले हैं? गैस इंडस्ट्रीज को बहुत सारा मुनाफा करवा चुका हूँ, ये कुछ और है, प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी। और कितने दिन बिजली को आप लोग रखेंगे? आपकी गवर्नमेंट के सर में जो सरदर्द है उसे हम हटाने वाले हैं। बस को तो प्राइवेट कर ही दिया है, बैंक को भी प्राइवेट कर दिया है, पढ़ाई भी प्राइवेट हो चुकी है, पीने का पानी पैसे देकर पिएंगे तो ही अच्छा लगता है, फ्री में पीने से बीमारी हो जाएगी ये बताकर उसे भी प्राइवेट कर दिया, फोन में ये टेल वो टेल ना जाने क्या क्या टेल करके उसे भी कर दिया, और अब इलेक्ट्रिसिटी को भी प्राइवेट कर रहे हैं, अब आगे क्या? चुक 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 ट्रेन भी। ओ, वो भी दिमाग में है क्या? इस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ इन्वेस्ट करके 2000 करोड़ बनाना ही एडिकोर्स का प्लान है। बिजनेसमैन का एक ही टारगेट होता है, मुनाफा, इसीलिए नो इंसानियत। कोई सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी सोचकर उनकी भलाई के लिए कुछ काम करो तो आखिर में तेरे जैसे रिश्वत खिलाने वाले कुत्ते के सामने हार जाना चाहिए ना। हाँ शक्ति, और कितने लोगों को पैसे देकर उन्हें रास्ते से हटाऊं? बोलो, तुम मेरे सामने पहली बार हारे नहीं हो, तुम्हें तो मैं शुरू से ही हराते आया हूँ। जब से प्रोजेक्ट शुरू किया कि नदियों को जोड़ेंगे, खेती करेंगे, लोगों को बहका कर किसी को भी जमीन नहीं बेचने दी। हमने ये कर दिया तो हमारी खेती बारिश के भरोसे नहीं रहेगी। तुम्हें जिसने नौकरी से निकलवाया उसी कंपनी के जरिए तुम्हें अमेरिका भेजने का प्लान बनाया था। आपको फिर से नौकरी पर बुला रहे हैं। हमें नौकरी से निकाला उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, आज अपने दिल को जो पसंद है वही कर रहे हैं। और वो काउंसलर, उसे हर इलेक्शन में जिताते आए हैं लेकिन पहली बार है कि वो मेरे किसी काम आया। चुपचाप सारी जमीन मुझे बेच कर उसी पैसों से आराम की जिंदगी जियो। उस दिन वो इंस्पेक्टर, उसने तुझे बिना किसी वजह के अरेस्ट किया था, कुछ याद आया? लेकिन फिर भी तूने लोगों को जमा करके आंदोलन करके कलेक्टर से परमिशन लेने की कोशिश की और फिर भीड़ में बस दो लोगों को बिठाया, लेकिन फिर भी तूने कलेक्टर से परमिशन ले ली। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तुम जिस नहर को खुदवा रहे थे उसी में तुम्हें दफनाने का प्लान बनाया। मैन मेड लैंडस्लाइड, देखने वालों को ये सब नेचुरल लैंडस्लाइड लगा था, वहां बिना किसी आवाज के बम मैंने ही फटवाए थे। ये सब तुझे बताऊंगा, ऐसा मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान तो इन लोगों को मारकर और सारा ब्लेम तेरे पर डालकर तुझे अंदर डालने का प्लान था, पर तेरे दोस्त को मरते वक्त हाथ में एक सुराग लग गया है ना। नेचुरल मिलने वाले पानी के लिए हवा के लिए भी लड़ने पर मजबूर कर दिया है ना। कैपिटलिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम पर सिर्फ तो ही आराम की जिंदगी जी सके ना। सिर्फ तेरे अकेले के स्वार्थ की वजह से 21 जाने। इस धरती पर लाखों लोग मरते हैं शक्ति, कीड़े मकोड़ों की तरह, और जब एक फैक्ट्री बनती है तो लोगों का मरना एक आम बात है। 21 कीड़े, समझो वो भी वहां मर गए, बस अब एक कीड़ा और मरना बाकी है। आ,
बहुत बड़ा योद्धा समझता है तू? हैं? अब तेरा क्या करे बता? ये कौन है? पता नहीं यार, ये कब चढ़ गया? बेटा अपनी आंखें खोलो। हमने ऐसी क्या गलती कर दी? हमारा गांव खेती बाड़ी के लिए पानी लाने की कोशिश की, उसके लिए बॉम्ब, 21 लोगों को जिंदा दफना दिया, मारती शक्ति को भी। ऐसे लोग खुशी से रह सकते हैं क्या? मुझे बचाने के लिए जब तू परेशान था, मैं समझ गया था कि तू वो नहीं है
सर, आंखें मत बंद कीजिए सर, आंखें खोलिए, मुझे देखिए सर। सर मैं अपने लोगों को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अब से मेरे लोग तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। जाओ। सूरज ही तेरा नाम है ना? प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुंगोड़ी गांव में अपना पावर प्लांट शुरू नहीं किया तो तू सड़क पर आकर भीख मांगेगा। उस गांव के लोगों को उनकी खेती को खत्म करके ही तुझे अपना धंधा करना है, ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा भी सोचे बगैर 21 लोगों को मार डाला। ये सब तुम्हें कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम शक्ति नहीं हो। मेरे शक्ति ना होने से तेरी गलती सामने नहीं आएगी क्या? पुलिस को 1,00,000, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को 3,00,000, काउंसिलर को 10,00,000। तेरी फेंकी इस भीख के लिए तेरे पीछे कुत्ते की तरह आकर तूने जो भी करवाया उन्होंने किया, लेकिन वो शक्ति पता नहीं कौन था, मुझे अपना चेहरा, एक नई जिंदगी दी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने एक नॉवल में पढ़ा है शिवा, एपिडिफ्रिन नाम का एक ड्रग है, किसी के शरीर में वो ओवरडोज हो जाए तो एडन की वजह से वो मर सकता है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना? तेरे शरीर में एड्रिल लेवल इंक्रीज किया है, दम घुटने से तू मर जाएगा, पोस्टमार्टम में भी कुछ पता नहीं चलेगा। लाइफ इज लाइफ इज अ बुमरैंग। रास्ता